वेल तो ही गाइस वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे द रॉक द फाइनल बॉस के काफी इंटरेस्टिंग वॉलिंग को लेकर। एंड भाई उन्होंने अभी शो ओवर नहीं किया, इसको लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट द रॉक की तरफ से देखने को मिली है। एंड डिस्कस करेंगे पंकज सर्वाइवर सीरीज यानी कि सीएम पंकज सर्वाइवर सीरीज स्टेटस को लेकर, जापान के इवेंट को लेकर, सऊदी अरेबिया को लेकर अपडेट है, अंडरटेकर गंथर और ब्रॉक लेसनर के मैच को लेकर क्या कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं, और स्मैकडाउन के अंदर एक मैच देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ अपडेट्स है, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। सो लेट्स जंप ऑन द टॉपिक एंड शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और यह हमें देखने को मिल रहा है भाई जो कि है WWE के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट को लेकर जो कि जापान के इवेंट से रिलेटेड है। तो WWE यहाँ पर प्लान कर रही है जापान के अंदर इवेंट, और इसको लेकर रिपोर्ट्स कुछ ऐसी देखने को मिली है कि भाई WWE यहाँ पर मतलब WWE को पुश किया जा रहा है कि जापान के अंदर वो एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करे। यानी कि जैसे कि हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो भी सऊदी अरेबिया के अंदर हर जगह इवेंट्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर वो पुश करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि जापान के अंदर कोई बड़ा इवेंट देखने को मिले। ऐसे कुछ यहाँ पर WWE के फिलहाल के टाइम पे प्लान्स हैं। अभी इस प्लान्स को लेकर कोई एग्जैक्टली बड़ी न्यूज़ नहीं आई है, बट फिलहाल के टाइम पे ये कुछ स्पॉयलर्स है कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड WWE प्लान करती है तो डेफिनेटली होगा, हमें देखने को मिलेगा जापान के अंदर एक बड़ा इवेंट। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये है जो कि सऊदी अरेबिया के चैंपियनशिप को लेकर। तो जो हमें क्राउन ज्वेल की चैंपियनशिप देखने को मिली, इसको लेकर क्या कुछ है भाई, इसको लेकर डिटेल्स अपडेट आती है रसल वुड्स की तरफ से, जिनका ये कहना है कि भाई सऊदी अरेबिया का जो टाइटल है ना वो ओनली फॉर सऊदी है और अदर किसी शो के लिए नहीं है। यानी कि सऊदी अरेबिया का टाइटल सिर्फ और सिर्फ सऊदी के शो के लिए है और किसी शो के लिए नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि जो यहाँ पर गंथर लड़ते हुए दिखाई देंगे, कोडी रोड्स लड़ते हुए दिखाई देंगे, सारे चैंपियंस उस चैंपियनशिप के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे, बट वो चैंपियन किसी की हक नहीं होने वाली, वो सिर्फ क्राउन ज्वेल का हकदार बनेगा और क्राउन ज्वेल के बाद वो टाइटल का कोई ख्याल भी नहीं रखेगा और कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो ये कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है। बाकी क्या मतलब है फिनिश को लाकर, लाना ही नीचे ना सच्चा। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है LA नाइट और कार्मेलो है, इसको लेकर। सो रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर ये देखने को मिली है कि LA नाइट वर्सेस कार्मेलो है जो कल का स्मैकडाउन है, उसके अंदर हमें यहाँ पर इनके बीच में मैच देखने को मिलेगा फॉर द US चैंपियनशिप। यानी कि LA नाइट वर्सेस कार्मेलो है इसका यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिली है। अब लेट्स सी भाई मैच देखने को मिलता है तो क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है, बट बड़ी तो नहीं होंगी, बट यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी एक नॉर्मली मैच देखने को मिलेगा तो अच्छा ही है। बाकी होप्स हो कि हमें काफ़ी कुछ चेंज भी देखने को मिले। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि है भाई साहब WWE के CM Punk के सर्वाइवर सीरीज स्टेटस को लेकर। तो CM Punk क्या हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे, सो इसको लेकर भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि भाई क्या CM Punk सर्वाइवर सीरीज के अंदर अवेलेबल होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले हैं। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो CM Punk है वो एक्सपेक्टेड है कि उनका जो रिटर्न है वो हमें सर्वाइवर सीरीज में ही देखने को मिलेगा। यानी कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें CM Punk देखने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर CM Punk का इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड लेट्स सी वो कैसा क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। और कंफर्म है कि CM Punk हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे बट क्राउन ज्वेल के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि CM Punk जो शो मिस करने वाले हैं वो सिर्फ क्राउन ज्वेल होने वाला है, वो नहीं मिस करने वाले सर्वाइवर सीरीज को उसके पहले रिटर्न कर जाएंगे और सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें उनके मैचेस भी देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी भाई सर्वाइवर सीरीज में हमें एग्जैक्टली देखने को क्या मिलता है और क्या होता है और WWE कैसे इस सर्वाइवर सीरीज को लेकर डील करते हुए दिखाई देती है CM Punk के साथ में। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अंडरटेकर गंथर एंड ब्रॉक लेसनर को लेकर। सो द रिंग जनरल गंथर, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल एक इंटरव्यू देखने को मिला था जिसके अंदर अंडरटेकर गंथर की काफ़ी तारीफ भर भर के करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें अंडरटेकर ने गंथर वर्सेज ब्रॉक लेसनर के मैच की भी बात की, जिसमें अंडरटेकर का ये कहना है कि भाई गंथर वर्सेज द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर का एक ऐसा मैच है जिसमें ब्रॉक लेसनर इतना कैपेबल सुपरस्टार है जो कि बहुत ही हद तक
गंथर के उनके पूरे लिमिट्स तक पुश कर सकता है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर करवाना चाहिए वन लास्ट टाइम, और लास्ट रिटायरमेंट मैच अगर वो होता है तो गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक परफेक्ट मैच होगा, क्योंकि गंथर एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि इन सारी चीज़ों में फिट आते हैं। एंड जैसे ब्रॉक लेसनर का एटीट्यूड था वैसे गंथर का भी एटीट्यूड है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है नहीं, बट ब्रॉक लेसनर मतलब ब्रॉक लेसनर है भाई, गंथर गंथर है। तो ऐसे में यहाँ पर अंडरटेकर का ये कहना है कि अगर गंथर को उनके लिमिट तक पुश करना है तो उनका फाइट यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के साथ में होना चाहिए, एंड ब्रॉक लेसनर उनके लिमिट्स को पूरा ला सकते हैं, दिखा सकते हैं कि गंथर कितना कैपेबल है हार्डकोर रेसलिंग के अंदर और कितना कैपेबल है एक काफ़ी हार्डकोर सुपरस्टार के साथ में हार्ड फाइट देने में। एंड गंथर इस चीज़ को प्रूफ करेंगे देन वो बन पाएंगे काफ़ी एक एक्स्ट्रा, मतलब कह सकते हैं ना जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ एक्सपर्टीज होती है, वो सुपरस्टार यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। और लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी ब्रॉक लेसनर को लाती है या फिर नहीं लाती है, बट यहाँ पर अंडरटेकर के हिसाब से गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर ऐसा मैच होगा और ऐसा मैच होना चाहिए जो कि गंथर के सारे स्किल्स को बाहर निकाल दे। बाकी देखते हैं गंथर क्या करते हुए दिखाई देते हैं, क्या नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि भाई जब भी कोई बंदा ब्रॉक लेसनर के सामने आता है, ब्रॉक लेसनर एक ऐसे सुपरस्टार है अगर किसी को टेस्ट करना है वो प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर कितना बेस्ट है, वो ब्रॉक लेसनर के सामने रुक जाए, ब्रॉक लेसनर के सामने टिक जाए, उसको खुद मालूम पड़ जाएगा वो रेसलिंग के अंदर रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर कितना बेस्ट है। लाइक हमने फिन बैलर और एजे स्टाइल्स बड़े बड़े रेसलर्स को देखा, उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, इवन ब्रॉक लेसनर ने भी अपने को प्रूव करा कि भाई इन सारे सुपरस्टार्स के साथ में भी वो बेस्ट मैचेस दे सकते हैं, और उन सुपरस्टार्स ने भी अपने आप को प्रूव किया कि भाई हाँ हम ऐसे मैचेस दे सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर गंथर वर्सेस द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर कभी इन फ्यूचर होता है तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ होगी कि भाई गंथर काफ़ी कैपेबल है ब्रॉक लेसनर के साथ में एक बेटर फाइट देने के लिए। बाकी लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेकर कुछ करती भी है या फिर नहीं करती है, नहीं तो सारी बकवास धरी की धरी रह जाएगी। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने मेन अपडेट की तरफ चल लेते हैं। तो मेन अपडेट यहाँ पर है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है द पीपल्स चैंप द ब्रामा बुल द रॉक को लेकर। तो द रॉक की तरफ से एक इंटरेस्टिंग ट्वीट देखने को मिलता है, और ये ट्वीट होता है कि मतलब द रॉक कहते हुए दिखाई देते हैं कि द शो नॉट ओवर अंटिल फाइनल बॉस सेज इट्स ओवर। यानी कि द रॉक का मानना है कि भाई शो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है जब तक यहाँ पर जो फाइनल बॉस यानी कि जो द रॉक है वो नहीं कह देते कि एक शो ओवर है, अभी शो तो शुरू हुआ है। और इसके आगे यहाँ पर द रॉक का कहना है कि भाई देर इज़ नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस, यानी कि कोई बिजनेस नहीं है बिजनेस जैसा दिखना, एंड देर इज़ नो कनेक्शन स्ट्रॉन्गर एंड मोर इलेक्ट्रीफाइंग दैन दैट ऑफ द पीपल एंड द पीपल चैम्पियन। मतलब जो पीपल चैंप है यानी कि हम सभी ऑडियंस की बात करते हुए दिखा देते हैं, और यू कैन फील द माना फाइनल बॉस एंगेज सी यू ऑल डाउन द रोड। यानी कि एक तरीके से क्लियर कहते हुए दिखा देते हैं द रॉक कि अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है और मैं तुमको देखने वाला हूँ आने वाले समय में, यानी कि आने वाले समय में वो और भी अपीयरेंस देते हुए दिखाई देंगे। सो लेट्स सी भाई द रॉक यहाँ पर फाइनली पंप अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया सौ फेरा दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।